लाजर चोर साहब की हाल चाल ने तुहाडे शुक्र है पा पतरस तू सुना ठीक है हां जी शुक्र है खुदावन दा बहुत असि ठीक ठाक हां और तुसी सुनाओ बेटा तुहाडा की कर रहे आजकल बस शुक्र है चौधरी तेनु पता ही है शादी मेरा ब्याह दे मालक हां हां जी ते हुन मैं चाह रहा यार के मेरा मुंडा भी हुन मेरे नाल जड़ा ना मेरा आसरा बने ते मेरीयां जमीना सांभे तू सुना अपने मुंडे दा हाँ जी पर मेरा मुंडा तुहानू पता है तुहाडे सामने ही है दासों ने कर लिया है ठीक है अच्छे नंबरां दा शुक्र है खुदा दा पास होया है ते तुहाडे सामने ही गुजारा हो रहा जिहड़ी कोई 4-5 किले है वे शुक्र है खुदा दा गुजारा हो रहा है ते बाकी मैं अपने मुंडे नू अफसर बनाना चाहता मैं नहीं चाहता कि साढ़े हर सारी उम्र पैलियां च ही कढ दे ते मैं चाहता वा लोगों की खिदमत करे अफसर बने ते पिंड च आए तो लोग उन्हू कहण वी हाँ पतरस दा मुंडा आया वी अफसर बन के आया पुत्तर मैं तेनु यार एक काम क्या सी हाँ जी अब्बा जी मैं वो करके आया शहर होने जी आया मैं अच्छा तो मैं पता करके आया कराची दाखिल हो रहे ने नर्सिंग च अच्छा अच्छा नर्सिंग की हुंदा है अब्बा जी वो जड़े मरीजा का ख्याल करते हैं उन्होंने टीके वगैरह दवाई वगैरह देते हैं वो अच्छा अच्छा उन्होंने खिदमत शिदमत कर देने अच्छा ते अब्बा जी वो मैनू नवी किताबा चाहिए ने कपड़े चाहिए ने ते ओ छड़ यार तू दस मैं की करना है अब्बा जी तुसी सिर्फ मैनू दाखला लैके देना उत्थे कराची तू टेंशन ना लै मैं अपने पुत्र नू दाखला लैके दांगा भाएं मैनू डंगर वेचने पैण भाएं सारियां जमीना वेचनियां पैण मैं अपने पुत्र नू अफसर वेखना है चंगा पुत्र फिर हुण अपना ख्याल रखी मैं तेरे कहण दे तेनू कराची भेज ते रहा वा जी अब्बा जी ए ना होए कि तू उत्थे जाके अपने मकसद तो भटक जाए नहीं अब्बा जी ते पिंड वाले सामने साडी बहुत इज्जत है ठीक है ते अगर तेनू ऐ खुदा ने तेनू बुलाहट दिती है ठीक है अगर उन्हें तेनू अपने काम लिए बुलाया लोगों की खिदमत लिए बुलाया जी अब्बा जी ठीक है तो उत्थे जाके तू लोगों की खिदमत करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके ना तू पढ़ना लिखना है ठीक है मेरा पुत्र दिल ला के पढ़ी यार जी अब्बा जी ठीक है ते ऐ याद रखी कि एक पासे तेरी माँ का माण ते दूजे पासे तेरे प्यो का माण है ते साडे अगर तू डगमगा गया ते असी डोल जावांगे मेरा पुत्र अपना ख्याल रखी मेरा पुत्र जी अब्बा जी तुसी भी मेरे लिए काम करना है हाँ जी तुसी भी अपना ख्याल रखना मेरे लिए अब्बा जी यार छड़ मेरी टेंशन ना ले तू नहीं अब्बा जी मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं सूरज सतेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे सूरज सतेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है ए न्यू कमर सलाम भाई क्या हाल है सलाम भाई कैसे हो आप ठीक ठाक क्या नाम है आपका रॉबिन कहाँ से आए हैं पंजाब से आए भाई भाई पंजाब से आए हैं चुप 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 गांव से बत्तियां देखने आ गया यार और तू भी आ गया खेती बाड़ी तेरा बाप करेगा क्या देखो आप खेती बाड़ी वाले भी नर्सिंग में आ गए बस कर लो यार क्या ड्रामा यार तुम लोग लगाया हुआ कब से तंग कर रहे हो यार उसको बेचारे को यार कल को तुम लोग भी तो इसी तरह आए थे ना यार
हम लोग नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा उसको? भाई है यार वो हमारा, लिहाजा आप कोई तंग नहीं करे उसको। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सब? ठीक सर। गुड। न्यू स्टूडेंट आप? यस सर। स्टैंड अप सी। नाम क्या आपका? रॉबिन सर। रॉबिन, गुड। और कहाँ से आए आप? सर पंजाब से आए सर। गुड। तो नर्स क्यों बनना चाहते हो आप? सर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं नर्स बनूँ और मेरे को भी काफ़ी शौक था नर्स पे, नर्सिंग करता हूँ। गुड, थैंक यू बैठ जाए और गुड लक। ओके, ओपन योर बुक्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। केविन, क्या बात है बेटा, तो खामोश बैठा हुआ, इधर आ। मामा, आज हमारी वार्ड में एक पेशेंट को लैप्स हो गया। मामा, हम सब ने उसका बहुत CPR किया और मामा वो बच गया। मामा, मैं बहुत डर गया था। और मामा, मैं आपको एक दम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ मामा, और मेरी जान बहाल हो गई मामा। और मामा, मैं आपको बता नहीं सकता अपनी फीलिंग्स कि मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा। और अब आपको एक तश्वीशनाक खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। पाकिस्तान कुछ रोज कबल ही ईरान से लौटा है। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, जी सर, जी सर, वो आजकल कोविड के हवाले से जो माहौल पूरे वर्ल्ड क्लास पे चल रहा है, हर चीज़ का, हर किसी को इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी मोबाइल घर बच्चे उसके अंदर भी रिंगटोन ऐसा ही आता है। तो हमारे यहाँ हेल्थ के अंदर ये इमरजेंसीज होती रहती है, इसके अंदर जो हमने छुट्टियों का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर जहन से निकाल दिया है। हम तो स्पेशली ऑर्डर्स निकाल लें कि छुट्टियों को भी कम कर दो, नंबर वन। नंबर टू की कंट्रोलर इनको जो है वो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फ्यूचर ट्रेन के लिए कि जितनी अपनी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इमरजेंसी के अंदर ये आर्मी वालों ने जैसे एक्सपो सेंटर बनाए, तो यहाँ पे सारा छुट्टियों का सिस्टम और फ्यूचर प्लान जो है बनाए। नहीं सर, इस मरतबा छुट्टियों का इतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की कोशिश करेंगे। क्रिसमस के हवाले जो उनका हक बनता है, बकाया जो छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं होगी। जी सर, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर, नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से घर में अर्ज करूं तो एक हदीस है उसके अंदर आता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को, नंबर वन। नंबर दूसरा कि हमारे यहाँ होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मकसद होता है बेलॉस खिदमत, वो खिदमत जिसका हम कोई मुआवजा नहीं लेते। हाँ जी जी, हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट हैं स्पेशलाइजेशन वाले, सीनियर स्टूडेंट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, उन सब की जो ड्यूटी लगे जिसके लिए प्लानिंग जो है उसके लिए हमने वैसे बोल दिया है, और अभी वो प्लान बना के बाद में हर जगह पे हम जो है वो भेजेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वो कंट्रोलर साहब से। जी कंट्रोलर साहब से मिला। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? खैरियत? तबीयत ठीक है, खुश हैं? ये बहुत सारी फ़ोन्स आ रही हैं कोविड के हवाले से कि छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ। अभी छुट्टियों के लिए तो हमें पता है कि इमरजेंसी तो किसी टाइम पे भी और भी बहुत सारी चीज़ें छुट्टियाँ करनी है, लेकिन वो के जो जायज़ दो या तीन करें उसके लिए प्लान जो है वो हमने भेजा है। आपको इन्फॉर्मेशन भेजी है, लेटर्स भेजे हैं, बराए में वो प्लान बना के हम लोगों को भेजें, उसकी कॉपी जो अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी दे दें। जी जी जी, ये करके मुझे जो है विद इन वन आवर वो दे दें। ओके मैडम, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, आई विल वेट फॉर यू, थैंक यू, ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आपने नोटिस बोर्ड चेक किया? यस सर। इस दफा आपको क्रिसमस की छुट्टियां नहीं मिल रही। क्यों? क्या एक्सक्यूज मी सर, सर आपको पता है क्रिसमस सीजन चल रहा है, अगर हम घर नहीं जाएंगे तो किस तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे? सर इसका मतलब आप इस दफा क्रिसमस को घर नहीं जा सकते? सर असल में बात यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें काफ़ी बता रहे हैं कि कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, तो इसलिए वो काफ़ी परेशान है इस बात से। खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। शुक्रिया। रखे हैं हमने ले। और भाई बताएं सब कैसा है? शुक्र है खुदा का, सब ठीक ठाक। तो भाभी नहीं आई? आपकी भाभी तो क्रिसमस की तैयारी में मशगूल थी, तो मैंने सोचा मैं इनविटेशन देने आ जाऊं। आप सारों से गुजारिश है कि आप सारे आइएगा। जी जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। और क्रिस बेटे आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आजकल क्रिस? मेरा क्रिस कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, और सबसे हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि कोई इसे यूनिवर्सिटी में पहचानता ही नहीं कि ये क्रिश्चियन है। ऐसा क्यों? गोरा चिट्टा गबरू जवान है मेरा बेटा, तो कोई कैसे पहचानेगा? पापा वो हम लोग क्रिसमस के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हम उन्हें जल्दी बताएं। चले जा मेरे बेटे, मैंने तुझे कभी मना किया किसी चीज़ से? और बस जी बाजी, मुझसे कोई पूछे मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं तो कहता हूँ अभी अपना शौक पूरे करे, जवान होना इंजॉयमेंट करे। अच्छा तो ये कर रहा है? और आप बताएं आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा खुदावन के नाम को जलाल दे रहा है। तो क्या उसने सेमिनरी ज्वाइन की है? क्या सिर्फ सेमिनरी जाने वाले बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वो खुदावन के नाम को जलाल दें? मेरे बेटे के चलने फिरने उठने बैठने से लोग जानते हैं, उसके बात करने के अंदाज से लोग पहचानते हैं कि वो कौन है। वो उनका भी ख्याल रखता है जो उसको रद्द करते हैं, और उनकी भी फिक्र करता है जो उसको नज़रअंदाज करते हैं। मेरा बेटा दवा देने से पहले दुआ करता है। मेरा बेटा एक नर्स है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। ये मेरा बेटा है। ये कहानी है ऐसे किरदार की, एक ऐसे मसीहा की, एक ऐसे प्रोफेशन की, जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है इस जज्बे से उसको हर हालात का मुकाबला करना है। 2020 की इस सदी में जो हालात और वाकयात इस जनरेशन ने देखे हैं, वो किसी जंग के समाज से कम ना थे, लेकिन जो इसमें आगे जो चुने गए लोग, उनके हौसले कभी टूटे नहीं, उनकी हिम्मत कभी हारी नहीं। 2020 की जंग में उसने अपनी और अपनों की परवाह किए बगैर इस मुल्क को संभाला है। ये कहानी है एक नर्स की, ये कहानी है एक स्टूडेंट नर्स की, जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ख़ानदान के लिए अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र का बाइस है। वो चुने हुए लोगों की ज़िंदगी गुजारता,
और सबको संभालता और सबकी जिंदगियों को संभालता। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ना कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है।